मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे यहाँ से विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया पार्टी ने। मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। ये चुनाव कार्यकर्ता लड़ेंगे और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है। और मेरे लिए तो भैरव सिंह जी एक परिवार ही रहे हैं हमेशा। मेरी तो दादी सा का उनसे इतना जुड़ा हो रहा है और पिताजी का भी और मेरा भी, तो इतना मैं तो उनको इतना सम्मान करती हूँ। तो डिसाइड करती है जब जो समय उनको लगता है ठीक है, तब वो डिसीजन लेते हैं और डिक्लेयर भी करते हैं जो उन्होंने किया। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे यहाँ से विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया पार्टी ने। मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया जयपुर से। और बिल्कुल सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये चुनाव दिया कुमारी अकेली नहीं लड़ेगी, ये चुनाव कार्यकर्ता लड़ेगी और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है। और मेरे लिए भी मैं उन्हीं को श्रेय दूंगी जैसे मैंने सवाई माधोपुर में भी मेरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा था। मेरे लिए वो भी नया क्षेत्र था, राजसमंद भी नया क्षेत्र था और इस बार तो घर से लड़ रही हूँ जयपुर से, लेकिन जो विधानसभा है वो मेरे लिए नई है। तो बिल्कुल चुनौती कहूंगी या नहीं कहूंगी, लेकिन बिल्कुल बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है, मेरा सौभाग्य है कि घर से चुनाव लड़ने का इस बार अवसर मिला है। आमतौर पर कहा जाता है कि सांसद का चुनाव आपका अनुभव क्या है? नहीं, चुनाव तो ऐसा है कि अब चुनाव तो देखिए, आप घर घर जाना तो वैसे ये जरूर है कि विधायक को सबसे एक बार संपर्क करना बहुत आवश्यक है, घर घर भी जाना पड़ता है। तो मैंने तो विधायक का भी लड़ा हुआ है रात सवाई माधोपुर से और विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनी हूँ। और फिर संसदीय क्षेत्र क्या है, बड़ा होता है, तो वहाँ पर आपको एक ही चीज है, चाहे वो विधायक का जो क्षेत्र होता है छोटा होता है, संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो आपको बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है। और मेरा जो संसदीय क्षेत्र था वो विशेष था, 4 जिले थे, 3 संभाग थे और ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर लंबा क्षेत्र था, तो वो भी एक चुनौती ही थी, लेकिन बहुत अच्छा क्षेत्र था। मैं तो बिल्कुल, मेरे लिए तो एक घर के समान हो गया है वहाँ पर, जितने भी वहाँ के कार्यकर्ता हैं मेरे लिए तो वो भी एक परिवार ही है। उससे पहले सवाई माधोपुर था जी, बिल्कुल उससे पहले सवाई माधोपुर से अवसर मिला, वो भी बड़ा क्षेत्र था, वैसे विधानसभा थी लेकिन क्षेत्र बड़ा था, पंचायतें भी बहुत थी, 50 उस समय थी और अब तो और भी हो गई है, और ऑलमोस्ट 45 वार्ड्स थे, तो वो बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो बिल्कुल दोनों, जो भी पार्टी देती है काम हमको तो करना ही है ना। अभी मैं अजमेर संभाग की प्रभारी भी हूँ और काम तो करना ही, बहुत अच्छा लगता है लोगों के बीच रहना, जनता के बीच रहना, इतना मान सम्मान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, बुजुर्गों का इतना स्नेह मिलता है लोगों से, बहुत अच्छा लगता है कि अगर उनका मैं कोई भी काम कर सकूं, मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना किसी और को खुशी देने के बाद, उसकी उसका कोई कंपैरिजन नहीं। देखिए ऐसा है, वो जो भी उन्होंने कहा मैं उसके लिए कुछ नहीं कमेंट करना चाहूंगी। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनके परिवार का करती हूँ, भैरव सिंह जी मेरे लिए पिता समान थे, तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। और मैं तो यही कहूंगी कि आप पधारें, मेरे साथ इस चुनाव को लड़ें, मुझे आशीर्वाद दें, आपका सपोर्ट। नहीं, मैंने देखिए बात तो मैंने उसी दिन की थी जिस दिन मुझे मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था और उन्होंने कहा था बिल्कुल मैं मिलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और मैं तो यही चाहूंगी कि वो हमारे साथ ही रहें, परिवार हैं वो भी, और मेरे लिए तो भैरव सिंह जी एक परिवार ही रहे हैं हमेशा। मेरी तो दादी सा का उनसे इतना जुड़ा हो रहा है और पिताजी का भी और मेरा भी, तो इतना मैं तो उनको इतना सम्मान करती हूँ, तो बिल्कुल मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगी। ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगी, पार्टी ने जो डिसीजन लिया वो अपने स्तर पे उन्होंने लिया, सोच समझ के ही लिया, हम लोग पार्टी से ऊपर नहीं है। और जो मुझे ये अवसर मिला है मैं तो बिल्कुल उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। अब मुझे जो काम मिला है उस पे मुझे ध्यान देना है, मुझे चुनाव लड़ना है और उस इस सीट को पार्टी को देनी है कि ये लीजिए एक और कमल का फूल।
जो 200 हमारे विधायक जीतेंगे उसमें एक विधायक मैं भी बनूंगी और हमारे विद्याधर नगर का भी एक कमल का फूल उनकी झोली में। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी, ये बिल्कुल पार्टी का डिसीजन था और आप मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। देखिए वो भी मेरे लिए नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही थी, सवाई माधोपुर भी मेरे लिए नया था, राजसमंद तो उससे पहले मैं कभी गई नहीं थी, तो ये अच्छा है। मुझे तो चैलेंजेस अच्छे ही लगते हैं और मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा जब नए कार्यकर्ताओं से जुड़ने का मुझे एक अवसर मिलेगा। और एक एडवांटेज मेरे लिए तो बिल्कुल है क्योंकि मैं जयपुर में ही रहती हूँ, तो जयपुर की जयपुर में ही। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी और देर से ऐसा कुछ नहीं है, जब पार्टी डिसाइड करती है, जब जो समय उनको लगता है ठीक है तब वो डिसीजन लेते हैं और डिक्लेयर भी करते हैं जो उन्होंने किया। एक पीएम की रैली हो रही है, पीएम की रैली आपके इलाके में सपोज है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा प्रोजेक्शन होने जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी जो भी प्रपोज है वो भी उसकी भी अभी डिटेल्स मुझे पूरी तरह से भी जब पता जानकारी मिलेगी तब वो बिल्कुल अच्छा है। सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जयपुर पधार रहे हैं और विद्याधर नगर पधारेंगे तो उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। प्रदिया जी, अगर पार्टी आपको भविष्य में कहती है कि अगर बीजेपी की आप नेतृत्व करें पार्टी का तो आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी हमारा प्रत्याशी है और जो भी प्रत्याशी हमारा है सीएम का वो कमल का फूल है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी